हेलो एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक। ये वोकैबुलरी की फिफ्थ पार्ट है। इससे पहले वीडियोस में हमने ए से शुरू होने वाली वोकैबुलरी याद की थी, ए अल्फाबेट की जो वोकैबुलरी थी। आज बी अल्फाबेट शुरू हो रहा है, तो आज का जो पहला वर्ड है वो है बेबल। बेबल मीन्स बड़बड़ाना, टॉक इन ए वे विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि इस तरह से बोलना कि उसको हमें कुछ समझ में ना आए। बेबल, इसको हमने बेबी प्लस बोल, यानी कि जो छोटे बेबी होते हैं जिनको सही से बोलना नहीं आता, वो क्या बोलते हैं वो हमें समझ नहीं आता। तो बेबी जो बोलते हैं, छोटे बेबी जो बोलते हैं, वो क्या करते हैं? बैबल करते हैं। छोटे बेबी बैबल करते हैं। जैसे इस पिक में अगर हम देखें तो ये छोटी बेबी फोन पे बात कर रही है, लेकिन वो ऐसे बोल रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फोन पे वो बैबल कर रही है। छोटा बेबी क्या बोल रहा है या बड़बड़ा रहा है, ये समझना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट वर्ड है बकनेलियन। बकनेलियन मीन्स शराबी, ड्रंकन, बूजर। बकनेलियन को हम कैसे याद रखें? अगर बकलेनियन के स्टार्टिंग में हम यहाँ तक देखें तो ये जो स्पेलिंग बन रही है ये बच्चन बन रही है, बच्चन। तो हम सभी को पता है अमिताभ बच्चन जी की शराबी मूवी एक हिट मूवी है, तो बच्चन की ऑल टाइम हिट मूवी शराबी। तो बकनेलियन से हमने बच्चन निकाल लिया और इसका मीनिंग होता है शराबी। तो बच्चन की ऑल टाइम हिट मूवी शराबी। नेक्स्ट है बैकबाइट। ये वर्ड लगभग सभी को पता है, बैकबाइट, चुगली करना, यानी कि पीठ पीछे किसी के बारे में बातें करना, सामने मुंह पे कुछ नहीं बोलना और पीछे से उसके बारे में बातें करना। टू स्पीक समथिंग एट द बैक ऑफ समवन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम है वो है मलाइन। ये आपने याद रखना है, मलाइन बैकबाइट का सिनोनिम है। बैकबाइट को हमने याद किया बैक प्लस बाइट से, सामने आके बोलने की हिम्मत नहीं है तभी तो वह बैकबाइट कर रहा है, पीछे पीठ पीछे चुगली कर रहा है। जैसे हम इस पिक में देखें तो ये दोनों इसकी बैकबाइट कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेजर। बेजर है परेशान करना, अनोय, हराश, टॉर्मेंट। बेजर को हमने बाजार से रिलेट कर लिया है, बेजर बाजार। बाजार में बच्चे हमेशा परेशान करते हैं। अगर हम ये पिक देखें, बाजार की पिक है और बच्चा यहाँ पे रो रहा है। जनरली हम सभी ने बाजार में देखा होगा कि जब बच्चे टॉयज की शॉप के सामने से जाते हैं या अगर हम मॉल में जाते हैं तो टॉयज का जो सेक्शन आता है वहां पर जनरली बच्चे परेशान करना लग जाते हैं कि हमें ये टॉय चाहिए, वो टॉय चाहिए, यानी कि अपनी फरमाइशें बताना शुरू हो जाते हैं। तो हम वहां से याद कर सकते हैं कि बाजार में हमेशा बच्चे परेशान करते हैं, अपनी डिमांड बता बता कर परेशान करते हैं। बेजर बाजार, बाजार में बच्चे बेजर करते हैं, बाजार में बच्चे बेजर करते हैं। नेक्स्ट है बेडनाज। बेडनाज मजाक में चिढ़ाना, प्लेफुल टीजिंग, बेंटर। बेडनाज को अगर हम देखें तो इसमें जो स्पेलिंग है वो बी ए डी आई को हमने बड़ी लिख लिया और इसको ए जी ई एज, बड़ी एज, यानी कि बड़ी एज के लोगों को मजाक में चिढ़ाना अच्छी बात नहीं है, यानी कि बड़े लोगों के साथ मजाक करना अच्छी बात नहीं है। हम अपनी एज वालों के साथ या अपने से छोटों के साथ मजाक कर सकते हैं, तो बड़ी एज के लोगों के साथ मजाक करना अच्छी बात नहीं है, यानी कि बड़ी एज के लोगों के साथ बेडनाज करना अच्छी बात नहीं है, इसको हम बेडनाज, इसकी प्रोनंसिएशन है। नेक्स्ट है बेफल, चकरा देना, कंफ्यूज, परप्लेक्स, मतलब कुछ ऐसा कि जिसमें हमें समझ ही ना आए, एकदम से कंफ्यूज हो जाएं हम, बैफल। बैफल को हमने बेफेलो से रिलेट किया, बैफल बेफेलो। अगर हम इसको देखें तो ये वाइट बेफेलो है, तो इसको देखकर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि बेफेलो है या काऊ है, क्योंकि बेफेलो ब्लैक कलर की होती है। तो गांव में वाइट बेफेलो देखकर सब कंफ्यूज हो गए, यानी जैसे ही वाइट बेफेलो सबने देखी सब बेफल हो गए, वाइट बेफेलो को देखकर बेफल हो गए। नेक्स्ट है बेट। बेट चारा, स्नेर। अब चारा मींस, आप इस पिक में अगर देखें तो ये वॉर्म है, इस वॉर्म को कांटे में लगाकर फिश को पकड़ा जाता है, तो ये जो वॉर्म है ये इस मछली का चारा है, इस मछली का चारा है। तो बेट को हमने बाइट से रिलेट किया, फिश के बाइट करने का चारा लेकर आओ उसको पकड़ने के लिए, तो यानी कि बेट क्या है, बेट चारा, जिससे हम किसी चीज को अपनी जाल में फंसाते हैं, ट्रैप करते हैं उसको। नेक्स्ट है बेलफुल। बेलफुल होता है घातक, हानिकारक, बहुत ज्यादा घातक, यानी कि बहुत ज्यादा हानिकारक, डेडली।
और ये मलाइन यहाँ पे भी आ रहा है, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं मलाइन को, तो मलाइन डेडली बेलफुल। बेलफुल को हमने कैसे पढ़ा, बेल और फुल, बेल दिख रहा है आपको, बेल तो हमेशा ही खतरनाक होते हैं, तो ये वाला बेल फुल खतरनाक है, तो बेलफुल बेल फुल यानी कि बेल बहुत खतरनाक है, ये वाला बेल बहुत, सभी खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट है बाक, बाक होता है अनिच्छुक होना, टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग, तो ये वन वर्ड भी बनता है एक, कि अगर आ जाता है टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग का, अगर आपको पूछा जाए वन वर्ड तो बाक। अब बाक हम इसको प्रोनाउंसिएशन बाक है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो बालक पढ़ेंगे अगर हम इसको, तो हमने इसको बालक से ही लिख लिया, जो छोटे बच्चे होते हैं जनरली उनको स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो बालक या बच्चे हमेशा स्कूल जाने में अनिच्छुक रहते हैं, तो बाक बालक अगर हम इसको देखते हैं, अगर एग्जाम में मान लो बाक आ जाता है तो हम स्टार्टिंग में इसको देखते ही बालक हमारे दिमाग में आएगा इसकी स्पेलिंग को देखकर, तो बालक से हम रिलेट कर लेंगे कि बालक जो छोटे बच्चे होते हैं बालक होते हैं उनकी उनकी इच्छा नहीं होती स्कूल जाने की, तो वो अनिच्छुक होना हो जाएगा इसका मीनिंग। नेक्स्ट है बाम, बाम तो जनरली सभी को पता है, वैसे इसको गरम भी बोलते हैं, और मलहम या प्लीजेंटली वॉर्म सही इसका मीनिंग हो जाएगा, प्लीजेंटली वॉर्म ऑइंटमेंट, तो बाम को हमने बाम से रिलेट किया, सरदर्द में बाम मलहम का काम करती है, तो बाम तो बाम ही रहेगा यानी कि जो मलहम का काम करे बाम। नेक्स्ट बेन, बेन मीन्स अभिशाप क्रश, अब बेन को हमने बून से रिलेट किया, बून का अपोजिट होता है बेन, जनरली हमने जब स्कूल में जनरली लगभग सभी ने जो एसे लिखा होगा प्रस्ताव लिखा होगा, तो जनरली प्रस्ताव का जो टॉपिक्स आते हैं जैसे हम लिखते हैं कि दहेज, दहेज प्रथा, अभिशाप, अभिशाप है बून है या बैन है, इसी तरह से न्यू टेक्नोलॉजी बून है या बैन है, यानी कि बून बैन का क्या मतलब हो जाएगा अभिशाप, तो डावरी क्या है अभिशाप है, दहेज प्रथा एक अभिशाप है, बेन, इसको हम बेन पढ़ेंगे, बेन। नेक्स्ट है बेंटर, बेंटर मींस मजाक में चिढ़ाना, और हमने एक मजाक में चिढ़ाना हम पहले भी कर चुके हैं, एक बेडनाज, बेडनाज हमने किया था, बड़ी एज के लोगों को मजाक में चिढ़ाना अच्छी बात नहीं, तो उसी का सिनोनिम है बेंटर। कन्वर्सेशन विद विच इज फनी एंड नॉट सीरियस, तो बेंटर को हमने बंदर से रिलेट कर लिया, यहाँ पे जो बेंटर में टी और ई आ रहा है इसको डी ए से रिप्लेस कर दिया, तो बेंटर बंदर, उसने बंदर बंदर कह के उसे मजाक में चिढ़ाया, तो बेंटर भी और बेडनाज भी और दोनों क्या होंगे मजाक में चिढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बार्ब यानी कि कांटा, शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक, फोक कह सकते हो, हैंगर कह सकते हो। अब यहाँ पे जो बाब जिस कांटे की बात हो रही है वो इस टाइप का कांटा है जिसे हम मछली पकड़ते हैं, या फिर जो हैंगर के ऊपर ये हुक जो होता है, इस टाइप की शेप में जो होगा उसको हम बार्ब बोल रहे हैं। बार्ब को हम कैसे याद कर रहे हैं, बार्ब से हमने बार, ये जो ये उठा लिया इसको दो बार लिख लिया, बार 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 प्रयास करने के बाद भी मछली कांटे में नहीं आ रही है, बार बार प्रयास करने पर भी मछली बाब में नहीं आ रही है। नेक्स्ट है बारबेरिक, बारबेरिक यानी कि बबर, सेवेजली क्रूल, ब्रूटल रूथलेस कह सकते हो आप इसको, ये भी इम्पोर्टेंट इसका सिनोनिम है। बारबेरिक को हमने कैसे लर्न किया, हमने बारबेरिक को बार जो है उस बार को बारबर, और बाद वाला जो है बारीक, ये स्पेलिंग अगर हम देखें तो बारीक बन रहा, तो इसको बारीक, बारबर बारीक, बार्बर ने मर्डर करके उसके बारीक बारीक टुकड़े कर दिए, बहुत ही क्रूर आदमी है, बार्बर ने बारीक बारीक टुकड़े किए और उसे मार दिया, इसीलिए क्या है वो बारबेरिक है। नेक्स्ट है बार्ड, कवि पोएट वर्स मेकर, बार्ड को हमने बर्ड से रिलेट कर लिया, बार्ड बर्ड, उसने बर्ड पर पोएम लिखी और कवि हो गया, फेमस हो गया और कवि बन गया, बर्ड पर एक पोएम लिखकर वह पोएट बन गया, बर्ड पर पोएम लिखकर बार्ड हो गया। नेक्स्ट है बेयर फेस्ड, बेशरम सेमलेस कह सकते हो। अब बेयर फेस्ड को हमने कैसे लिखा, बेयर को हमने बियर लिख लिया और फेस को फेस यहाँ पे लिख लिया, बियर फेस, वह बड़ा बेशरम हो गया है, कल तो उसने अपने पिता के फेस के सामने बियर पी,
पिता के फेस के सामने बीआरपी, इसीलिए क्या हो गया, बेयर फेस्ड हो गया है। पिता के सामने बीआरपी इसलिए बेयर फेस्ड हो गया है। नेक्स्ट है बैरोक। बैरोक मीन्स सजा हुआ, हाईली ऑर्नेट, बिजार, बिजार भी इसका एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम है बैरोक का। तो इसको हमने बैरोक को बराक ओबामा से रिलेट कर लिया, बैरोक बराक ओबामा। बराक ओबामा का घर व्हाइट हाउस हाईली ऑर्नेट रहता है। जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, व्हाइट हाउस में रहते थे, तो उस टाइम की बात हो रही है कि वैसे तो व्हाइट हाउस हमेशा ही सजा हुआ रहता है, लेकिन हमें याद करने के लिए बराक, क्योंकि जो बैरोक है वो बराक से रिजेंबल कर रहा है, तो इसलिए हमें याद रह जाएगा कि बराक ओबामा का घर हमेशा बैरोक रहता है। नेक्स्ट है बैरिज, बांध, गोलाबारी। अब यहाँ पे जो गोलाबारी है ये वो बॉर्डर वाली बमबारी नहीं है, जिसमें बॉर्डर्स पे गोलियां चल रही हैं एक दूसरे दोनों दो अलग अलग कंट्रीज में, वो नहीं है। यहाँ पे गोलाबारी आप कह सकते हो, जैसे आप अपने किसी टीचर से या आप किसी अपने किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछते हो और बार बार मतलब उनको आंसर देने का आप मौका ही नहीं दे रहे हो, बार बार क्वेश्चन बोले जा रहे हो, क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, यानी कि बौछार कर दिया आपने उनपे, तो वो गोलाबारी है यहाँ पर, उस तरह की गोलाबारी की बात हो रही है। तो बैरेज को हम बांध और गोलाबारी। स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस ए रिवर डैम। बैरेज को हमने गैरेज से रिलेट कर लिया, उसने गैरेज के सब सामान को निकालकर नदी पर बांध बना दिया। गैरेज में जो भी फालतू सामान पड़ा हुआ था उसका यूज किया उसने और बैरेज बना दिया, बांध बना दिया। गैरेज का अनयूजफुल जो सामान था उसको यूज करके बैरेज बना दिया। नेक्स्ट है बी लाइन, सीधी रेखा, रास्ता, डायरेक्ट और क्विक रूट, शॉर्टकट या स्ट्रेट लाइन। बी लाइन को हमने बी और लाइन, हनी बी होगी यहाँ पर, बी के पीछे पीछे लाइन में चलोगे तो शहद तक पहुंचने का क्विक रूट मिल जाएगा। बी के पीछे पीछे लाइन में चलो बी के पीछे पीछे लाइन में चलोगे तो हनी तक बी लाइन हो जाओगी, यानी कि क्विक रूट से पहुंच जाओगे, सीधी रास्ते से पहुंच जाओगे। नेक्स्ट है बिगेट। बिगेट मीन्स पैदा करना, टू फादर और प्रोड्यूस। अब पैदा करना यहाँ पे दोनों होंगे, किसी बच्चे को पैदा करना भी हो सकता है और किसी नई चीज को प्रोड्यूस करना भी हो सकता है बिगेट। तो बिगेट को हमने बिल गेट्स से रिलेट कर लिया। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को बिगेट किया, प्रोड्यूस किया। बिल गेट्स ने बिगेट किया, क्या बिगेट किया, माइक्रोसॉफ्ट को। ये थे हमारे आज के 20 वर्ड्स, अब जल्दी जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितने ट्रिक्स याद हैं। सबसे पहला है हमारा बेबल। बेबल था हमारा बेबी बोल, यानी कि बेबी क्या बोलता है वो हमें समझ नहीं आता, बड़बड़ाना था। उसके बाद था बकनेलियन। बकनेलियन में क्या था, बकनेलियन में आपने स्टार्टिंग वाली स्पेलिंग बच्चन बन रही है, तो बच्चन की जो हिट एक हिट मूवी कौन सी है, शराबी, तो बकनेलियन मीन्स शराबी। उसके बाद था बैक बाइट, ये तो बहुत ईजी है, हमें सबको पता है पीछे से किसी की बुराई करना, उसकी बैक के पीछे चुगली करना। उसके बाद था बेजर। बेजर को हमने बाजार से रिलेट किया था कि बाजार में जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जब टॉयज देखते हैं अपनी चीजें उन्हें नहीं मिलती हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं कि हमें वो चीज मिले उनको, तो बाजार में बच्चे बेजर करते हैं। नेक्स्ट था बेडनाज। बेडनाज था बड़ी एज, बड़ी एज से हमने रिलेट किया था कि बड़ी एज के लोगों को मजाक में चढ़ाना अच्छी बात नहीं है, मजाक हम अपने एज के साथ या फिर जो हमसे छोटे हैं उनके साथ कर सकते हैं। उसके बाद था बैफल। बैफल हमने यहाँ पे बेफेलो, व्हाइट बेफेलो को देखकर सभी चकरा गए, यानी कि कंफ्यूज हो गए। उसके बाद था बेट। बेट को हमने किससे याद किया था, बाइट से याद किया था कि मछली के बाइट करने के लिए चारा लेकर आओ, हमें उसे पकड़ना है, तो बेट यहाँ पर चारा था। उसके बाद है बेलफुल। बेलफुल मींस बेल, बैल और फुल, ये वाला जो बैल है फुल खतरनाक, यानी कि बहुत ज्यादा डेंजरस। उसके बाद था बाक। बाक यहाँ पे स्पेलिंग से देखा था हमने, बाक बालक बन रहा है यहाँ पे, तो बालक जो छोटे बालक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जनरली उनको स्कूल जाना पसंद नहीं होता, तो इसीलिए अनिच्छुक, किसी काम करने के अनिच्छुक। नेक्स्ट है बाम। बाम हम कुछ बाम यानी कि गरम था इसका, या फिर हम ये कह सकते हैं मरहम बाम। नेक्स्ट है बीन। बीन को हमने याद किया था कि बून का अपोजिट है, ये अभिशाप था, यानी कि वरदान बून हो गया, वरदान, वरदान का अपोजिट बीन।
उसके बाद था बेंटर। बेंटर को हमने बंदर से याद किया था कि उसने बंदर बंदर कहकर उसको चिढ़ा रहा है, यानी कि मजाक में चिढ़ाना बंदर। उसके बाद था बाब, बाब यानी कि हमने काटा जो जिसमें हम फिश को पकड़ते हैं वो बाब था। नेक्स्ट था बारबेरिक, बारबेरिक में हमने बारबर और बारीक, बारबर ने बारीक बारीक टुकड़े करके किसी का मर्डर कर दिया था तो बहुत ही बर्बर है, बहुत ही क्रूर आदमी है। उसके बाद था बार्ड, बार्ड मीन्स हमने रिलेट किया था बर्ड से, यानी कि उसने बर्ड पर पोएम लिखी और वो कवि हो गया, बार्ड हो गया। उसके बाद था बेयर फेस्ट, बेयर फेस्ट में हमने बियर और फेस, उसने अपने फादर के सामने बियर पी तो वो बहुत ही बेशरम है, बेयर फेस्ट है। उसके बाद था बैरोक, बैरोक को हमने बराक ओबामा से रिलेट किया था कि बराक ओबामा का जो घर व्हाइट हाउस है वो हमेशा सजा हुआ रहता है, बिजार रहता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट था बैराज, बैराज में हमने याद किया था कि गैरेज से रिलेटेड रिलेट किया था इसको कि गैरेज में जो फालतू सामान पड़ा हुआ था उसने उनका यूज करके नदी पर बांध बना दिया, डैम बना दिया था। बी लाइन, बी लाइन को हमने बी और लाइन हनी के पीछे पीछे अगर जाओगे तो शहद तक शॉर्ट रूट में पहुंच जाओगे, क्विक रूट से पहुंच जाओगे। उसके बाद था बी गेट, बी गेट को हमने बिल गेट से रिलेट किया था कि बिल गेट्स ने किसको प्रोड्यूस किया, माइक्रोसॉफ्ट को, तो बी गेट का मतलब प्रोड्यूस करना या पैदा करना था। उम्मीद करती हूँ ये 20 वर्ड्स आपको अच्छे से लर्न हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।